हे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान पर। दोस्तों, आज का यह टॉपिक पुशअप्स के ऊपर होने वाला है। आपको बता दें कि 70 से भी ज़्यादा तरीके हैं पुशअप्स करने के, लेकिन अगर आप लोग पुशअप्स स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जिम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये 5 बेस्ट पुशअप्स के तरीके सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे, जो आपकी बॉडी के लिए सबसे बेहतरीन होंगे। आपकी बॉडी जल्दी बनेगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो आखिरी तक देखें। और आपके लिए 5 पुशअप बेस्ट तरीके कौन कौन से हैं हम आपको इसमें बता देंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, वाइड ग्रिप पुशअप्स। यह नॉर्मल पुशअप्स की तरह किया जाता है। इसमें आपके हाथ कंधे से थोड़े बाहर होते हैं। इसे करते समय हाथों को थोड़ा दूर रखें, उसके बाद नॉर्मल पुशअप्स की पोजीशन में आएँ। शरीर को सीधा रखते हुए हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए फर्श के जितना करीब हो सके उतना करीब जाएं और ऊपर उठ जाएं। इसे 1 रैप कहते हैं, यानी कि आप हर रोज़ 10 से 15 रैप करें और उसके 3 सेट करें। यानी कि अगर आप 10 रैप करते हैं, 3 सेट में 30 रैप्स हो गए, तो उसके हिसाब से आप करते रहें और धीरे धीरे आप इसकी गिनती को बढ़ाते जाएँ। इनको करने से आपकी बॉडी में जल्दी और बेहतरीन असर देखने को मिलेगा। ट्राइंगल या डायमंड पुशअप्स। ट्राइंगल या डायमंड पुशअप आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इस पुशअप को करने के लिए आप ध्यान में रखें, इस पुशअप को करते समय आपके हाथ इतने पास रहने चाहिए कि आपके हाथों के दोनों अंगूठे एक दूसरे से टकराएं और हाथों के बीच की जगह ट्राइंगल की शेप में हो, तब आपका यह पुशअप्स बहुत ही अच्छा होगा। इस पुशअप्स को धीरे धीरे करने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन अगर आप इसे करने का ट्राई करेंगे तो आपकी बॉडी पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट होगा। नंबर 3, क्लैपिंग पुशअप्स। क्लैपिंग पुशअप्स करने के लिए आपके शरीर में थोड़ी जान होनी चाहिए, यानी कि आपको थोड़ी ताकत दिखानी होगी। ताली बजाने के लिए आप समय का ध्यान रखते हुए बॉडी को जमीन से ऊपर ले जाने के लिए अपने शरीर की पूरी ताकत का प्रयोग करें और ताली बजाते हुए अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर लेकर आएँ। अगर आप लोग इस पुशअप्स को करने में माहिर हो जाते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी। नंबर 4, सुपरमैन पुशअप्स। ये ऐसे पुशअप्स जिनमें आपको ज़्यादा ताकत लगानी होती है, उनमें यह सबसे ज़्यादा कठिन होती है। यह सुपरमैन क्लैपिंग पुशअप्स का एक अलग वर्जन है, अलग लेवल है। इसमें आपकी बॉडी ज़मीन से नहीं मिलती है, पूरी हवा में रहती है। इसमें आप जैसे ही पुशअप्स करके ऊपर की ओर जाते हैं, तब आपकी पूरी बॉडी हवा में होनी चाहिए। इसमें आपके हाथ आपके सामने से होते हुए सिर के ऊपर जाने चाहिए। इसके बाद आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। अगर आप ये पुशअप्स करने में माहिर हो जाते हैं, तो गारंटी से कह रहा हूँ कि आपकी बॉडी और आपका स्टैमिना और बहुत सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपकी बॉडी में होने लग जाएंगी। नंबर 5, वन आर्म पुशअप्स। ये एक ऐसा पुशअप्स है, जब आप पुशअप्स करने में माहिर हो जाएं, जब आपको लगता है कि आप में अच्छी स्ट्रेंथ आ चुकी है, तभी आप इस पुशअप्स को करने की सोचें। अदरवाइज़ आप इस पुशअप्स को करने की बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि ये पुशअप्स का नेक्स्ट लेवल है। ख़तरनाक इतना है कि अगर आप लोग इसे बिना प्रैक्टिस के करने जाएंगे, तो आपका शोल्डर, कोहनी या मुंह पर भी चोट लग सकती है। इसे करने के लिए आपको नॉर्मल पुशअप्स की पोजीशन में आना है। अब अपने एक हाथ को पीछे पीठ पर रखना है, उसके बाद एक हाथ को पुशअप्स करना है, यानी कि एक हाथ से पुशअप्स करना है। ये काफ़ी कठिन है, यानी कि इसे करने के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसे करते समय आप किसी एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं या फिर किसी एक्सपर्ट की निगरानी में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पुशअप्स को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और माहिर हो जाते हैं, तो कसम से आपकी बॉडी में एक अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, शरीर में आपको अच्छे अच्छे डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग जिम लवर हैं, तो आपने इन पुशअप्स में से कौन कौन से पुशअप्स ट्राई किए हैं या आप कौन कौन से पुशअप्स ट्राई करना चाहते हैं, हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग जिम लवर हैं और आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो इसे ज़रूर लाइक करें। अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को या जो भी आपका फ्रेंड्स जिम करने की सोच रहा है, उस लड़के को तो ये ज़रूर शेयर करें। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आपके लिए अच्छी अच्छी हेल्थ से जुड़ी हुई और जानकारी लेकर आते रहेंगे।